यहाँ पर थोड़ा सा दूर रख लो। हाँ, हमने जो है यहाँ पर 14 रबर बैंड को यूज़ करके आप देख सकते हो हमने सेक्शनिंग की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हमारा 14 पार्ट। तो हमने 14 पार्ट पे जो है सेक्शनिंग की है। चलिए तो हम अब जो है कटिंग शुरू करेंगे। तो हमने कट कैसे करना है ये हमने चारों जो है ऊपर टॉप पे सेट कर दिए। तो सबसे पहले जो हमारा लेंथ वाला पार्ट था इसको हम अप साइड लेकर जाएंगे और देखिए हमने इसका जो था नीचे से इसको बिल्कुल इक्वल कर दिया था, बट जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो हमें इसको ऊपर लाकर भी हल्का सा इक्वल करना है। तो हम ज़्यादा कट नहीं कर रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें इसको कट देना ही है। अब इसी के ही साथ पे हम इसको ले जाते हुए कट करेंगे, ये जो हमारा एरिया है। तो ये हमारा कट हो गया पार्ट। अब इसके बिहाफ पे हम ये वाला कट करेंगे ताकि हमारा कट जो है बिल्कुल इक्वल हो। ये ऑटोमेटिकली इक्वल है। देखिए इस तरीके से हमारे पास गाइडलाइन आएगी और हमने इसी तरीके से जो है कट करना है। अब इसको हम इसके साथ भी बिल्कुल मैच कर लेंगे कि हमारा कट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फैन चला है। तो अब आप दोनों पार्ट्स को जब चेक करेंगे तो दोनों पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। यस, तो हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल हैं। ये हमने कट कर दिया है हमारा लेंथ पार्ट। ये हमारा लेंथ पार्ट में सेक्शन बहुत अच्छी आएगी इसकी। अब जो हमने ये कट किया है अब इस पूरे कट को जो है हमने इक्वली कट करना है। तो सबसे पहले जो है हम हमारा ये वाला जो सेक्शन है हम इसे बिल्कुल इक्वल कट करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे थोड़ा सा लॉन्ग में कट करेंगे ताकि ये फॉल करता हुआ आए। तो ये देखिए इस तरीके से। अब सेम जो है हम इसको भी इसी तरीके से ही कट करेंगे। तो जैसे मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से आपने लॉन्ग में इसको कट करना है। ये देखिए ये आपके पास गाइडलाइन आ रही है। पूरा कट हमने सेम रखना है इसी तरीके से। हमारे कट का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कट इक्वल नहीं होगा तो हमारा हेयर कट भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने दोबारा से एक बार मेजरमेंट, चाहे हमें बार बार करना पड़े लेकिन हमने करना है उसको प्रॉपर बेस्ट कट देने के लिए। अब देखिए जो हमारे ईयर के पास वाला पार्ट है वो भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुआ। अब जो है हम 3 लेयर्स को इकट्ठा लेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सब हमारा इक्वल है। अब इन 3 लेयर्स को हम लेंगे, जो अनइक्वल लगे उसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे और लास्ट वाला इसी तरीके से हम ये 3 पार्ट भी लेंगे। बस हमने कट जो है स्ट्रेट में करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारा कट जो है हमारा इक्वल हो गया। अब जो ये हमारा हेयर है जो फ्रंट सेक्शन है हमारा उसको हम पीछे की साइड जो हमारा गाइडलाइन हमारे पास होगा उसके ही साइड से इसी तरीके से अप की तरफ लाते हुए हमने गाइडलाइन के ही थ्रू इसे कट करना है ताकि ये हमारा शॉर्ट भी ना हो और ज्यादा लॉन्ग भी ना रहे इस तरीके से। और ये वाला यहां से हमने इसको सेट
सेट करना है और आप देख सकते हैं गाइडलाइन के हिसाब से ही हम कट कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड की हमारे पास गाइडलाइन आ रही है। और अब जो है हम इस दोनों को, ये दोनों जो है इनको मेज़र कर लेंगे कि ये बिल्कुल इक्वल कट हुआ है। तो यस, ऑलमोस्ट इट्स डन। तो हमारा कट हो चुका है डन। अब आपने देखा कि हमने आपको कट भी करके दिखा दिया। चलिए, अब तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मैम जो है डमी पे ही कट करते रहते हैं, क्लाइंट पे करके नहीं दिखाते। तो मैंने आपको आज जो है क्लाइंट पे भी करके दिखा दिया है और पूरा कट दिखाया है। ये नहीं है कि आज सिर्फ हमने आपको सेक्शनिंग ही बताई है। तो बहुत इजी रहा, आई होप सो कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जिस टेक्निक के साथ मैंने आपको बताया है कोई भी कट कर सकता है, कोई भी, जिसको नहीं भी आता वो भी कर सकते हैं। ट्राई कीजिए और मुझे वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मुझे अभी तक सिर्फ बहुत कम लोगों ने वीडियो सेंड की है, देखते बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो कि ट्राई कितने करते हैं। बस ऊपर हम नहीं लेकर आए क्योंकि बैक वाला पार्ट हमें लॉन्ग चाहिए था और जो हमारा फ्रंट है वो तो हमने सारा इक्वली कट किया है। यस, तो अब जो है आपको मैं विदाउट जो है ड्रायर एक बार कट दिखाती हूँ। वन सेकेंड, देखिए कट मेरा बहुत फ्लफी भी आया है और आप जो है स्टेप्स देख सकते हैं। ये हमारी जो लेंथ पार्ट की स्टेप है, फिर मिडल और फिर अपर। और ये देखिए हमने जो है हमारा जो फ्रंट पार्ट था, यानी कि जो हमारे फ्रंट की लेयर्स थी, वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं हुई। तो कट में आप लेयर्स देख सकते हैं, लेयर बहुत खूबसूरत से आ रही है। अभी देखो लाइट आ गई तो हम ड्रायर भी फटाफट करते हैं। गीजर चला के देखो। हाँ गाइस, हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो दैट्स व्हाई कि फिर मैं आपको जो है इस पे ड्रायर करके नहीं दिखा सकती। अदरवाइज कट आप देख सकते हैं, हमारा कट बहुत खूबसूरत हुआ है। अगर मैं इसको साइड पार्टीशन भी करूं, तो देखिए हमारा जो फ्रंट लुक था, जो फ्रंट का हमारा हेयर है वो भी हमने बिल्कुल इक्वल रखा है। और आप फॉलिंग्स देख सकते हैं, जैसे नजर आ रही होगी, ये जो हमने स्टेप में भी फॉल्स दिए हैं ये बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। इस तरीके से फॉलिंग्स आनी बहुत जरूरी है ताकि हमारा स्टेप कट भी एकदम से निकल के आए और कहीं से भी अनइवन ना हो, इवन रहे। तो आप कहीं से भी अगर मिक्स एंड मैच करके भी देखेंगे तो आपको सारा जो पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल लगेगा। तो आपको कैसा लगा ये हेयर कट? सॉरी।